दोस्तों बहुत अच्छा मौसम आ चुका है, सर्दियों का मौसम है। आप सोच रहे हैं मैं अच्छा क्यों बता रहा हूँ? ये मौसम सबसे अच्छा इसलिए है, इसमें आप सभी पूरे साल के लिए जितनी एनर्जी की ताकत की जरूरत होती है वो इस सर्दियों के 4 महीने में इकट्ठा कर सकते हैं, और आपके पास भोजन के बहुत सारे स्रोत उपलब्ध हैं। जैसा कि आप आज मैं आपको सब्जियों के ऊपर बताने वाला हूँ, कौन सी सब्जी किस टाइम खानी है, कौन सी दाल किस टाइम खानी है, ये मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी दालें होती हैं, जैसा कि आप मूंग, मसूर, उड़द, अरहर, राजमा, छोले, इस प्रकार की बहुत सारी होती है, चने की दाल। आप सोचेंगे कि ये दालें तो खा सकते हैं, इनमें कोई नुकसान नहीं। जी हाँ खा सकते हैं, इनमें कोई पेस्टिसाइड नहीं होता, इसलिए नुकसान भी नहीं देती। दालें सबसे ज्यादा खाइए और आप कम बीमार होंगे। लेकिन कौन सी दाल किस टाइम खानी है, चलिए दोस्तों ये बताता हूँ। मूंग और मसूर की दाल आप शाम के समय खा सकते हैं, शाम के समय का मतलब 5-6 बजे तक, रात्रि में नहीं, 5-6 बजे तक। बाकी दालें राजमा, छोले, उड़द की दाल, अरहर की दाल, चने की दाल, ये सब चीजें आप प्रातःकाल खाइए, लगभग 10-11 बजे तक। दो ही टाइम करना चाहिए, सर्दियों में भोजन 2 समय, 10-11 बजे तक कर लीजिए, 10-11 बजे तक, और शाम को 4-5 बजे, 2 टाइम करना है, ठीक है। और ये सुबह का टाइम खानी है वो शाम को खा सकते हैं आप मूंग मसूर की, क्योंकि मूंग मसूर की दाल पित्त वर्धक होती है, और पित्त बढ़ने से क्या होता है, पित्त होता है बहुत ज्यादा गर्म, वो सुबह को आपको पेट साफ करने में आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि सुश्रुत संहिता में कहा गया है प्रातः काल हमको वो चीजें खानी चाहिए जो हमारे शरीर को ताकत दे, प्रोटीन वाली, कार्बोज वाली चीजें, और शाम के समय हमें वो चीजें खानी चाहिए जो हमारे सुबह को आंतें साफ करने में, पेट साफ करने में हमारी हेल्प करे, जैसा कि लौकी, तोरी, ये शाम के समय आप ले सकते हैं। ये मॉर्निंग में नहीं लेनी चाहिए लौकी तोरी, क्योंकि इनके अंदर पानी होता है, फाइबर होता है, प्रोटीन, कार्बोज या फैट, इस प्रकार की कोई चीज नहीं होती जो कि दालों में होती है, वो दालें सुबह के समय अच्छी रहती है। इसलिए मैं तो कहूंगा सारी दालें ही सुबह के समय खाइए या दोपहर तक खा लीजिए, शाम के समय हल्की चीजें खाइए, जैसे पत्ता गोभी होता है आज के समय में, फूल गोभी रात्रि में नहीं खाना है। फूल गोभी मटर अगर आप रात्रि में खाएंगे तो आपको जॉइंट पेन, यानी कहीं तो बाय हो जाता है, वात रोग हो जाते हैं, जॉइंट पेन हो जाएगी बहुत ज्यादा, क्योंकि दिन में वो उससे जो गैस बनेगी तो इधर उधर से निकल जाएगी, कुछ ऊपर से निकल जाएगी, कुछ मुंह से निकल जाएगी, कुछ स्किन से निकल जाएगी, ऐसे करके गैस निकल जाती है गोभी की और मटर की खाने के बाद, जितनी आपको गैस बनती है और मूली खाने के बाद। लेकिन शाम के समय आप खाएंगे, खाकर पड़ जाएंगे तो वो गैस बाहर नहीं निकलेगी, वो आपके अंदर ही घूमती रहेगी, जिसकी वजह से आपको मसल्स के पेन होंगे, जॉइंट पेन, स्लिप, साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, ये सभी रोग आपको उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए ये सब चीजें दिन में खाएं, रात्रि में आप शाम के समय आपको जो खाना है, पत्ता गोभी, लौकी तोरी, गाजर, टमाटर, मेथी, सींगे चलते हैं आज के समय में, इस प्रकार की चीजें आप खा सकते हैं। और अगर जिनको फैट भी बढ़ाना है ताकत के लिए, वो अन्य चीजें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही कि आप कैसे दालें खाएं और क्या खाएं, अधिकतर हो सकता है तो आप, हाँ एक चीज और मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप दाल के साथ चावल ना खाएं तो और अच्छी बात है, क्योंकि चावल एक तो ठंडे होते हैं, वात वाले होते हैं, आपको पेशाब बहुत ज्यादा आएगा। रोटी खाएं, और रोटी भी मिक्सी रोटी खाएं, न कि खाली गेहूं की खाएं, गेहूं की रोटी खाने वालों को भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ना चाहिए आप लोगों का, हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद होता है, अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा हुआ है, मिक्सी रोटी बहुत फायदेमंद होती है, तो मिक्स रोटी खाइए और गेहूं का इस्तेमाल कम कीजिए। तो इसी के साथ हम फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ हम फिर मिलते हैं, नमस्कार।